विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। सूर्य देव और माता संज्ञा के मन में ये विचार तक नहीं आया कि माता छाया के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी। फिर तो वो वही पीड़ा के घूंटों का पान करने पर विवश रह गई होंगी, क्योंकि सूर्यदेव ने तो अब तनिक भी माता छाया का सुध नहीं लिया होगा, अस्वीकार कर चुके होंगे उनके अस्तित्व को ही। किंतु फिर सूर्यदेव ने क्या किया लंकेश, जब माता संध्या ने उनके साथ चलने में असमर्थता जताई, क्या उन्होंने पुनः माता छाया को ही स्वीकार कर लिया? नहीं गणेश जी, अपितु उन्होंने तो वो कृत्य किया जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। छाया तो छाया ही है, उन पर प्रकाश का तेज का कोई प्रभाव कहां हो सकता है? पर इसलिए मेरा तेज भले ही उनके लिए सहनीय था, किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इस तेज को कम करने का उपाय शीघ्र ही निकाल लूंगा और शीघ्र आपके पास लौटूंगा। स्वामी ने क्षण भर में मुझे भुला दिया। देवी संज्ञा, आपको तो सब ज्ञात है, आप भी तो नारी हैं, आप तो मेरे मन की वेदना को अवश्य समझेंगी। एक वो है जिनके लिए इतना सब किया, और दूसरे वो जिनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दोनों ऐसे मुंह फेर के चले गए जैसे जैसे इस छाया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वर्षों से उनके समर्पण, उनका प्रेम, उनकी सेवा क्षण भर में भुला दी गई और वो वहीं अकेली ही स्थित रह गई। और वहीं दूसरी ओर सूर्यदेव अपनी पत्नी देवी संज्ञा के साथ पाने का इच्छुक थे, इसलिए वो अपने ससुर देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के पास गए और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। हे देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा अपार तेज क्षीण होकर मेरी पत्नी के लिए सहने योग्य हो जाए और मुझे उनका साथ पुनः प्राप्त हो। आप उचित समय पर आए हैं सूर्यदेव, क्योंकि आज ही मैंने एक विशेष अस्त्र का निर्माण किया है, कदाचित ये आपकी समस्या का निवारण कर सकता है। अगर आपकी यही इच्छा है, कदाचित ये अस्त्र इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। और इस प्रकार विश्वकर्मा जी उस नवीन अस्त्र से सूर्यदेव के तेज को काट कर कम करते चले गए, और जो अस्त्र सूर्य के तेज से निर्मित हुए उन्हें देवताओं ने प्राप्त किया, जैसे कि गदा कुबेर जी को, वरुण फांस वरुण देव को, शूल रूपी वायु अस्त्र वायुदेव को, बाण रूपी अग्नि अस्त्र अग्निदेव को प्राप्त हुए, और महादेव को त्रिशूल और विष्णुदेव को चक्र की प्राप्ति हुई। अद्भुत, अर्थात देवताओं के सभी अस्त्र सूर्यदेव के तेज से ही निर्मित है। किंतु फिर माता छाया के साथ क्या हुआ? अपने अतिरिक्त तेज को विलक कर सूर्यदेव पुनः देवी संज्ञा के निकट पहुंचे, किंतु वहां देवी संज्ञा से भी अधिक आतुरता से देवी छाया उनकी प्रतीक्षा में थी, और उनकी आशा थी कि सूर्यदेव लौट कर आएंगे और उन्हें अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। सूर्यदेव
स्वामी मेरे साथ ये अन्याय कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें शीघ्र आभास होगा। उनके प्रति मेरा ही प्रेम सत्य था। मैंने उन्हें उनकी पूर्णता में स्वीकार किया, कभी उनसे उनका तेज कम करने को नहीं कहा। और जब देवी संज्ञा उनसे दूर चली गई, तब मैंने ही उन्हें एक सहभागिनी के सभी सुख दिए। उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रही हूँ मैं। नहीं स्वामी, ये आपने क्यों किया? अपना सुंदर और दिव्य तेज खो दिया? प्रतीत होता है अपने अनूठे दिव्य तेज को खोकर तो उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया है। मेरे प्रति उनका प्रेम उन्हें वापस ले आया है, भले ही मैं सत्य नहीं, किंतु सत्य मैं भी आपसे अत्यधिक ही उनसे सर्वाधिक प्रेम करती हूँ स्वामी। स्वामी ने तो मुझे देखा तक नहीं, वो मेरी और नहीं देवी संज्ञा की ओर जा रहे हैं। सूर्यदेव ने देवी छाया से आगे बढ़कर देवी संज्ञा के साथ अश्वरूप धारण किया और उन दोनों के दिव्य संयोग को साक्षी बनने पर विवश हो गई। अश्व रूप में उनके दिव्य संयोग से दो जुड़वा भ्राताओं अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनकी सुंदरता की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी और जिन्हें भविष्य में देव चिकित्सक होने की उपाधि भी प्राप्त हुई और 33 कोटि सर्वोच्च देवताओं के भाग भी बने। कुछ देर के लिए तो देवी छाया वहीं स्तब्ध रह गई थी, किंतु जब वो तंदरा से जागृत हुई और उन्होंने सूर्यदेव और देवी संज्ञा को रोकने का प्रयास किया, तब बहुत विलंब हो चुका था। स्वामी, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, इस प्रश्न का उत्तर तो देते जाते। क्या मेरे सत्य में कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मैं मात्र एक तुच्छ वस्तु हूँ, जिसके उपयोग के उपरांत उसे अपनी दृष्टि से दूर कर दिया गया? तेज का क्या लाभ जो किसी के प्रेम की सत्यता को समझ ना सके? सूर्यदेव और माता संज्ञा दोनों माता छाया को भूल कैसे गए? क्योंकि माता छाया ने तो माता संज्ञा के आदेश का पालन करते हुए वर्षों सूर्यदेव की सेवा की, उनकी संतानों का ध्यान रखा, किंतु फिर भी उन दोनों को माता छाया का स्मरण तक ना रहा। देवी छाया देवी संज्ञा की ही प्रति छाया थी, किंतु ये किसे ज्ञात रहता है कि उसकी छाया उसके पीछे चल भी रही है या नहीं? तो फिर क्या माता छाया ने भी सूर्य देव और माता संज्ञा को स्वयं को भूलने दिया? क्या वो इतनी असहाय हो गई कि वो उनसे अपना अधिकार मांगने भी नहीं गई? जब जीवन में कोई मार्ग शेष ना रह जाए, तब मानव भगवान के द्वार पे ही नतमस्तक होता है और उन्हीं के ही शरणों में जाता है।
देवी छाया ने भी अन्न जल का त्याग कर प्रभु महादेव की तपस्या की। गर्भवती होकर भी वो अन्न जल का त्याग कैसे कर सकती थी? अपमान की अग्नि ने उन्हें उनकी ही ममता बुलवा दी। वो स्वयं भूख ही प्यासी रही और उनकी संतान भी। जी गणेश जी, एक गर्भवती स्त्री को कभी उपवास नहीं करना चाहिए। भार अग्नि के ताप का प्रभाव हो या ना हो, किंतु भीतर भूख की अग्नि तो शिशु को पीड़ा ही देती है। वही हुआ देवी छाया के शिशु के साथ भी। वो अपने तेज का उजलापन खोकर स्याय पड़ता जा रहा था। गर्भवती स्त्री का प्रथम धर्म है अपने शिशु की देखरेख, और उस समय तो एक माँ के सुख दुख से भी बढ़कर उसके गर्भ में पल रहे उसके शिशु का सुख है, अन्यथा उसका शिशु अवश्य प्रभावित होता है। आप उचित कहते हैं गणेश जी, किंतु उस समय देवी छाया निराशा के अनंत पीड़ा से जूझ रही थी। अपनी सूझबूझ खो चुकी थी वो, और उन्हें तो बस प्रभु शिव शंकर शंभु की तपस्या से ही आस थी। लंकेश जी, जल। इन लंकेश को इतने समय से जल दे रहा हूँ, किंतु इन पर तो जैसे कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। शीघ्र लघु शंका का अनुभव हो लंकेश को, और फिर उसे मिटाने के लिए लंकेश पिताश्री की आत्मलिंग को यहीं भारत भूमि में ही कहीं रखने पर विवश हो जाएं, और प्रभु लंका पहुंचने के स्थान पर यहीं स्थापित हो जाएं, तभी सफल होऊंगा मैं। किंतु प्रतीत होता है कदाचित मुझे इसका कोई अन्य उपाय भी सोचना होगा। अब क्या विचार कर रहे हैं शिवनंदन? यही ना कि आगे क्या हुआ? हाँ लंकेश जी, अनेकों माह देवी छाया तप करती रही, और उनकी तप की अग्नि में वृद्धि भी होने लगी, और वो इतनी ऊंची उठ गई कि वो कैलाश की ऊंचाई तक जा पहुंची। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। प्रणाम महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। पुत्री, तुम्हें ऐसी अवस्था में इतनी घोर तपस्या नहीं करनी चाहिए थी। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मैं लाचार थी, असहनीय अपमान से पीड़ित थी, और फिर आपकी भक्ति के अतिरिक्त मेरे समक्ष और कोई मार्ग शेष ही नहीं था। तो मुझे बताओ पुत्री, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? कहो पुत्री, क्या वरदान दूं तुम्हें? क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं आपसे क्या मांगू प्रभु, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। आपके दर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। तुमने तप किया है पुत्री, जिसका फल तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, और तुम शीघ्र ही मातृत्व का पूर्ण अनुभव करोगी, क्योंकि एक माता के लिए संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तुम्हें तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा, जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा, जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा, और वही तुम्हें तुम्हारे अधिकार दिलाएगा।
उनके जन्म के पूर्व ही शनि देव को तेजस्वी होने का वरदान दे दिया प्रभु ने। ऐसे दया निधान है पिताश्री भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु महादेव, उनको हमारा कोटि कोटि नमन। महादेव, हम आपकी अनंत अपार महिमा की करबद्ध होकर वंदना करते हैं। महादेव, आपकी महानता के समक्ष हम नतमस्तक हैं। महादेव शिव शंकर शंभू की जय। महादेव शिव शंकर शंभू की जय। जय महादेव शिव शंकर शंभू की। जय महादेव शिव शंकर शंभू की। यही तो मैं चाहता था लंकेश, कि आप प्रभु महादेव की जय जयकार करने की धुन में पिताश्री के आत्मलिंग को यहीं रख दें और ये यहीं स्थापित हो जाए। ये मैं क्या करने जा रहा था? कहीं गणेश जी मुझसे यही कराने के इच्छुक तो नहीं है? दशानन लंकेश जी, ये क्या करने जा रहे थे आप? तनिक सचेत रहिए। इतने समय से इतना कष्ट सहकर आपने प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त किया, जिन्हें छोटी सी भूल से खो देते आप। लीजिए ये जल ग्रहण कीजिए और अब भविष्य में सर्वथा सावधान रहिए। लीजिए लीजिए जल ग्रहण कीजिए। बहुत ही सतर्क और सावधान है रावण, सरल नहीं है उन्हें किसी भी प्रकार से छल लेना। अब शीघ्र मुझे बताइए लंकेश जी, कि शनि देव का जन्म कब और कहां हुआ? वहीं महादेव शिव शंकर शंभू के वहां से प्रस्थान होते ही, महादेव शिव शंकर शंभू के प्रस्थान करते ही देवी छाया को प्रसाव पीड़ा हुई। शनि देव के जन्म से पूर्व ही उन पर जीवन का संकट उत्पन्न हो गया और ऐसे समय में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। कोई साथ था तो मात्र उनका शिशु जो स्वयं उनके गर्भ में था। आप कहीं मेरी संतान को कष्ट पहुंचाने के लिए तो एकत्र नहीं हो रहे? मुझे इस जलाशय में आश्रय लेना चाहिए।
जल निमग्न होने से अपनी माता की रक्षा कर। शनि देव ने तो जन्म लेते ही अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। ये तो उनका प्रथम दायित्व था, किंतु उनके माँ के प्रति उनका वास्तविक कर्तव्य अभी शेष था। माता, अब आपके इस रुदन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब आपका ये पुत्र शनि इस संसार में प्रकट हो चुका है। पुत्र? मेरा पुत्र? हाँ माता, मैं आपका पुत्र। अब आपके सारे दर्द और कष्ट दूर कर दूंगा। आपकी पीड़ा का आभास तो मुझे तब से है माता, जब से मैं आपकी गर्भ में था। मैंने तभी से आपके प्रत्येक कष्ट का अनुभव किया है। उन सभी पीड़ाओं का, उन कष्टों का निदान करने का अब समय आ गया है माता। आपने तो मेरे पिता सूर्यदेव की अर्धांगिनी के समस्त कर्तव्यों का निर्वाह किया, इसीलिए अब आपको आपका उचित अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जो मैं आपको अवश्य दिलवाऊंगा माँ। फिर भले ही ऐसा करने के लिए मुझे मेरे पिता से युद्ध क्यों ना करना पड़े। स्वामी पर ही कैसी अंधकारी छाया का प्रभाव छा रहा है। आइए माता, अब सबको आपके त्याग, आपकी ममता को बताने का समय आ चुका है। आपके सुकर्म, ममता, करुणा, सेवा के फल स्वरूप आपके उचित अधिकार प्राप्त करने का अब समय आ गया है। कितना अद्भुत रहा होगा ना, कि जन्म लेते ही एक अल्पायु बालक होने पर भी कर्मों के आधार पर वो अपनी माता को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए तत्पर हो गए थे। अर्थात शनि देव तो जन्म से ही कर्म प्रधान थे। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए दशानन। ऐसे निष्ठावान और कर्मठ पुत्र ने अपनी माँ को उनका अधिकार दिलाने में तो लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी होगी। हाँ शिवनंदन, इधर बालक शनि ने उसी प्रयोजन से सूर्य लोक के लिए प्रस्थान किया। आइए माता, किंतु उधर सूर्यदेव किसी भी भावी संकट से अनभिज्ञ सर्वथा निश्चिंत थे। स्वामी अत्यंत प्रसन्न चित्त है आज, किंतु मुझे किसी अनिष्ट का आभास क्यों हो रहा है, जैसे कोई छाया उन पर छाने वाली है। किंतु देवी संज्ञा को अनेक अशुभ संकेतों का आभास हो रहा था।
सूर्यदेव अपने पुत्र यम के अष्ट दिक्पाल पद पर स्थापित करने एवं यमलोक के स्वामी बनने के कारण अति आनंदित थे। उन्होंने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें देवराज इंद्र और बाकी सभी देवताओं के स्वागत में व्यस्त थे। क्या हुआ प्रिय? इस महाउत्सव के अवसर पर आप चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं? मुझे अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं स्वामी। किसी अनिष्ट, किसी विपदा के आगमन का आभास हो रहा है। व्यर्थ चिंता कर रही है देवी, अग्निदेव है यहाँ, जिनका अग्नियास्त्र बड़ी से बड़ी विपदा को भी जलाकर राख कर सकता है। वायुदेव है, जो बवंडर का रूप धारण कर बड़ी से बड़ी विपदा को भी उड़ाकर दूर करने में सक्षम है। वरुण देव है, जो अपने जल में समाहित कर किसी भी विपदा को भस्म कर सकते हैं। और स्वयं इंद्रदेव भी तो है, जिनके वज्र के समक्ष कोई भी विपदा टिक नहीं सकती। और मैं भी तो हूँ, मैं अपने प्रचंड तेज से किसी भी विपदा को मिटाने में सामर्थ्य हूँ। इसीलिए आप अपनी चिंता त्याग कीजिए। आज हमारे पुत्र के इस अत्यंत विशेष दिवस में किसी प्रकार का अनिष्ट होना संभव नहीं। ये जो आपके अशुभ संकेत है, ये सत्य नहीं है, मात्र भ्रम है आपका। आज तो हमारे लिए यही उचित होगा कि हम पूर्ण आनंद का आभास करें और अपने सुयोग पुत्र अति शक्तिशाली यम को बधाई और आशीष दें। किसी को इतना दुखी और संतप्त नहीं करना चाहिए कि उसका दुख बाद में किसी के विनाश का कारण ही बन जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।